एक अद्भुत चुड़ैल। एक जमाने में इंग्लैंड के राजा आर्थर को कुछ सैनिकों ने पकड़ लिया क्योंकि वे प्रतिबंधित राज्य में शिकार करने आए थे। रुको, इस जंगल में शिकार करना मना है, इसलिए इसे प्रतिबंधित क्षेत्र कहा जाता है। किसने इजाजत दी आपको? किसी ने नहीं। फिर तो आपको हमारे साथ चलना होगा। हम आपको हमारे राजा मार्कस के पास ले जाएंगे। जब राजा मार्कस ने उसे देखा तब उन्होंने कहा, तुम होशियार लगते हो, लेकिन मेरे राज्य में घुसने की सजा तो मिलेगी, एक पैर तोड़ा जाएगा। अच्छा, क्या पैर तोड़ा जाएगा? इतने से गुनाह के लिए इतनी बड़ी सजा? असल में ये सिर्फ घुसे ही नहीं बल्कि शिकार भी कर रहे थे राजा। अच्छा, ऐसा है तो फिर तो तुम्हें सजाए मौत मिलेगी, लेकिन तुम होशियार दिखते हो और अच्छे भी, इसलिए मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर दूंगा। ठीक है, क्या चाहिए आपको? अपने राज्य में वापस जाओ और एक साल के अंदर अंदर मेरे एक बहुत मुश्किल सवाल का जवाब दो। हाँ अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा मंत्रिमंडल बहुत होशियार है, उनके पास हर सवाल का जवाब होता है। तो सवाल जानना चाहोगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो सवाल ये है कि औरतों को क्या चाहिए? बापरे, इससे तो अच्छा है आप मेरे हाथ पैर तोड़ दे। तुम्हारे पास एक साल का समय है, फिर मैं तुम्हारे हाथ पैर शौक से तोड़ूंगा। लेकिन इस सवाल का जवाब देना तो असंभव है, मेरे राज्य का सबसे होशियार व्यक्ति भी इसका जवाब नहीं दे पाएगा, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। एक साल बाद मिलते हैं। अब तुम जा सकते हो, लेकिन भूलना नहीं, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। राजा आर्थर ने अपने राज्य में लौटने के बाद राजकुमारियों से, रानियों से, धर्मगुरुओं से, ज्ञानी लोगों से, सभी से पूछा, लेकिन जवाब कोई नहीं दे पाया। आखिर में उन्होंने अपनी एक दासी से पूछा, लोग कहते हैं कि घने जंगल में एक चुड़ैल रहती है जो जितनी होशियार है उतनी ही दुष्ट, आप उससे जाकर क्यों नहीं पूछते? अजीब बात है, चुड़ैल क्या जानती होगी? वो मैं नहीं जानती, लेकिन चुड़ैल भी तो औरत ही होती है, आपने सभी से पूछा सिवाय उसके, पूछने में हर्ज ही क्या है? लेकिन वो बहुत बड़ी कीमत तो नहीं लेगी ना? वैसे महंगाई बढ़ तो गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपसे ज्यादा कीमत लेगी। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं उसी से पूछूंगा। लेकिन अकेले मत जाना, सैनिकों को साथ लेकर जाना, वो बड़ी खतरनाक जो है। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही करूंगा। उस रात राजा आर्थर बूढ़ी चुड़ैल से मिलने गया और दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि उससे पहले ही चुड़ैल ने दरवाजा खोला। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, जानती हूँ तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर आप सब कुछ जानती है तो मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? क्या कीमत है बोलिए, मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। मतलब तुम्हें सौदा मंजूर है? हाँ बिल्कुल। मुझे तुम्हारे करीबी दोस्त ग्वेन से शादी करनी है। दिमाग तो ठीक है आपका, मुझे तो सोच कर भी घिन आती है। तुम्हें तो सौदा मंजूर था, है ना? अपने आप को आईने में देखा है, आप बद्दी है, आपके मुंह में एक ही दांत है और आप कुबड़ी भी है। मैंने इतनी बदसूरत व्यक्ति कभी नहीं देखी, मैं मेरे दोस्त को इतना बड़ा बलिदान देने के लिए कभी ठहर नहीं सकता। उससे बात तो करो, मुझे यकीन है तुम वापस जरूर आओगे। राजा आर्थर के पास अपनी दोस्त से बात करने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। मैं शादी के लिए तैयार हूँ राजा साहब, आपकी जिंदगी के सामने ये बलिदान कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया ग्वेन, तुम ही मेरे अच्छे दोस्त हो, तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसे कह दो कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, तब तक मैं तैयारियां करता हूँ, कल ही शादी होगी। राजा आर्थर चुड़ैल के घर गया। मैं तैयार रहूंगी, कल शादी के बाद तुम्हारे सवाल का जवाब भी दूंगी। शादी के कागजात पर दस्तखत करने के बाद चुड़ैल ने कहा, औरत चाहती है कि लोग उसका मूल्य जाने। राजा ने किए हुए इस अजीब सौदे के बारे में जानकर प्रजा अचंभित हो गई, लेकिन उन्हें खुशी इस बात की थी कि अब उनके राजा मार्कस से सुरक्षित हो गए हैं।
राजा आर्थर अब मार्कस के पास जाकर जवाब देने की तैयारी करने लगे। यहाँ शादी के कार्यक्रम में ग्वेन चुड़ैल के साथ तमीज और इज्जत से पेश आ रहा था, लेकिन कुलीन और खानदान लोगों के अपने अपने विचार भी तो थे। देखो तो कैसे खा रही है, देखकर भी शर्म आती है। हाथ से क्यों खा रही है भला, वो भी चम्मच होते हुए। खाते वक्त उसके मुंह से निकलने वाली आवाजें सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही है या आप लोगों को भी? बेचारा ग्वेन, वो कितना खूबसूरत है। भाई दोस्त हो तो ऐसा। उस रात जब ग्वेन अपने कमरे में अकेला था, तब उसके कमरे में एक खूबसूरत औरत आई। बापरे, तुम कौन हो? तुम्हारी बीवी। मेरी बीवी? ये कैसा मजाक है? ये कोई मजाक नहीं है। मुझे मिले एक श्राप की वजह से मैं बदसूरत हो गई थी, लेकिन तुम्हारे प्यार भरे प्रताव ने मेरे अंदर की खूबसूरती को जगा दिया है। ग्वेन, तुम बहुत खूबसूरत हो, ये सब कैसे हुआ? तुम मेरे साथ इज्जत और तमीज से पेश आए और मुझे एहसास दिलाया कि मैं अमूल्य हूँ, इसलिए अब मैं आधे समय बदसूरत रूप में रहूंगी और आधे समय सुंदर रूप में, जैसे कि अब दिख रही हूँ। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हर वक्त खूबसूरत दिखो? मैं सारा वक्त सुंदर नहीं दिख सकती। अब तुम्हें तय करना है कि मुझे लोगों के सामने सुंदर दिखना है या तुम्हारे साथ अकेले में रहूं तब सुंदर दिखना है। मुझे सोचना पड़ेगा, मैं तुम्हें कुछ ही घंटे में बताता हूँ। तुम्हारा फैसला हो जाए फिर मुझे बताना। हाँ बिल्कुल। ग्वेन महल के पास वाले बगीचे में बैठकर सोचने लगा कि क्या किया जाए। मैं क्या करूं, क्या कहूं? मुझे लोगों के सामने एक खूबसूरत बीवी तो चाहिए, लेकिन रात के समय में भी मेरी बीवी खूबसूरत दिखे, यही मेरी ख्वाहिश है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या करना चाहिए? कुछ देर बाद ग्वेन ने फैसला किया और वो चुड़ैल के सामने खड़ा हुआ। तो क्या सोचा तुमने? दरअसल मैं फैसला नहीं कर पाया। हमारी शादी में आए मेहमानों ने तुम्हारे बारे में इतनी बुरी भली बातें कही कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा सुंदर रूप देखकर सभी खामोश हो जाए, लेकिन सोचता हूँ कि तुमसे प्यार करने के लिए मुझे समाज की इजाजत की जरूरत नहीं है। मैं परवाह नहीं करता कि वो क्या सोचते हैं, लेकिन कोई तुम्हें भरा बुला कहे यह मैं सुन नहीं सकता, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम दिन में भी खूबसूरत दिखो। लेकिन फिर मैं तुम्हारे सामने बदसूरत दिखूंगी। हाँ, लेकिन इससे मेरा प्यार कम नहीं होगा। मुझे खुशी होगी अगर लोग तुम्हारी खूबसूरती देख सके और मैं तुम्हारी अंदरूनी खूबसूरती देख सकता हूँ। ओह ग्वेन, मुझे यकीन था कि तुम ऐसा ही कहोगे। मुझ पर लगा श्राप अब पूरी तरह से खत्म हो गया है, क्योंकि तुमने मुझसे प्यार किया, मुझे इज्जत दी, मेरा मूल्य समझा, बिना मेरे रूप की परवाह किए मेरे सम्मान के लिए तुमने अपनी खुशी को कुर्बान कर दिया, इसलिए अब मैं हमेशा के लिए खूबसूरत बन जाऊंगी। इस तरह दोनों हंसी खुशी रहने लगे। और हाँ, राजा आर्थर भी राजा मार्कस के चंगुल से बच निकले। कहानी पूरी हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment!